बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कि 29x23 का एक साइज़ हो, उस साइज़ के अंदर हम किस तरह से उसकी अच्छी से उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। आइए हम चलते हैं। तो दोस्तों ये आपके पास एक प्लान है, 29 फिट इसकी लंबाई है और 23 फिट इसकी चौड़ाई है। हम देख लेते हैं कि ये कितने मरले का प्लॉट बनता है। 29 फिट मल्टीप्लाई 23 फिट, 667 स्क्वायर फिट हैं इसके। हम डिवाइड करेंगे 272.25 पे, ये इसके मरले कैलकुलेट हो जाएंगे हमारे पास। तो दोस्तों ये हमारे पास जो प्लॉट है वो 2.44 मरले का प्लॉट है, यानी आम तौर पर इसको हम कह सकते हैं कि ये ढाई मरले का प्लॉट है। तो ढाई मरले के प्लॉट में हम किस तरह से मास्टर बेडरूम्स देंगे, हम किस तरह से टीवी लाउंज देंगे, हम किस तरह से कार पोर्च देंगे और किस तरह से हम उसको उसमें किचन डिज़ाइन करेंगे, तो ये सब कुछ आज हम सीखते हैं। इस प्लान की जो लंबाई है 29 फिट इसकी लंबाई है और 23 फिट इसकी चौड़ाई है। इस प्लान के अंदर मैंने दो मास्टर बेडरूम्स दिए हैं, उसके साथ अटैच बाथ दिया है और उसके साथ कार पोर्च दिया है और साथ ही लाउंज बनाया है और साथ ही ओपन किचन दिया है। तो दोस्तों ये हमारे पास एक पीडीएफ है, हम चलते हैं अपने इस ऑटोकैड प्लान की तरफ। दोस्तों ये हमारे पास एक ऑटोकैड फाइल है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने इसके मास्टर बेडरूम निकाले हैं। मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है वो 11 फिट उसकी वाइड है और 12 फिट 9 इंच इसकी लेंथ है। हम चेक कर लेते हैं, 12 फिट 9 इंच इसकी लेंथ बन रही है। ये एक मास्टर बेडरूम है और मास्टर बेडरूम के साथ मैंने एक अटैच बाथ दिया है। इस बाथ का साइज़ जो है वो 4.5 फुट ज़रबे 8 फुट है, 4.5 फुट इसकी वाइड है और 8 फुट इसकी लेंथ है। और साथ ही मैंने वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए, बाथ की वेंटिलेशन के लिए और दोनों बेडरूम्स की वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए मैंने ओपन डक्ट छोड़ा है। ओपन डक का जो साइज़ है वो 4.5x4 फुट। और उसके साथ ही मैंने एक और मास्टर बेडरूम दिया है, उसका साइज़ मैंने रखा है 11 फुट 3 इंच उसकी वाइड है। हम देख लेते हैं 11 फुट 3 इंच इसकी वाइड है और इसी तरह इसकी जो लेंथ है वो 12 फुट 9 इंच है, ये आपके सामने है। तो दोस्तों दो मास्टर बेडरूम मैंने रखे हैं और साथ ही मैंने अटैच बाथ रखा है और साथ ही ओपन डक रखा है दोनों बेडरूम्स की और बाथ की वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए। उसके बाद साथ ही मैंने कार पोर्च बनाया है। कार पोर्च का जो साइज़ है वो 16 फिट 6 इंच है और 7 फुट 9 इंच इसका साइज़ है। और साथ ही मैंने स्टेयर डाली हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए। उसके साथ ही मैंने लाउंज बनाया है, लाउंज के साथ ही मैंने ओपन किचन को डिज़ाइन कर दिया है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एक प्लॉट है, ढाई मरले का प्लॉट है। इसका फ्रंट 29 फिट है और इसका बैक 23 फिट है। इसके अंदर दो मास्टर बेडरूम्स भी हैं, अटैच बाथ भी है, ओपन किचन भी है, लाउंज भी है और कार पोर्च भी है, स्टेयर भी है और मेन गेट भी है। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी प्लानिंग है, छोटे से प्लॉट के अंदर ये एक बहुत अच्छी प्लानिंग की हुई है। और उसके साथ ही मैंने ये RCC प्रोजेक्शन है और मेन गेट मैंने 8 फुट का दिया है, 8 फुट का ये वाइड है और 7.5 फुट इसकी हाइट है। तो दोस्तों ये हमारे पास किचन की वेंटिलेशन के लिए विंडो है और ये किचन का ओपन किचन का साइज़ है, 6 फुट ज़रबे 8 फुट किचन का साइज़ है। और उसके साथ ही सिटिंग एरिया है, लाउंज और साथ ही उसका कार पोर्च है और साथ ही स्टेयर्स हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास एक बहुत अच्छी प्लानिंग की हुई है, एक छोटे से साइज़ के अंदर, एक छोटे से ढाई मरले प्लॉट के अंदर बहुत अच्छी सी प्लानिंग की हुई है। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।